सलमान खान की राखी बहन श्वेता। रोहिरा का उनके पति पुलकित सम्राट से तलाक होने जा रहा था। श्वेता का कहना है कि उनका घर तोड़ने के पीछे यामी गौतम का हाथ है। जब यामी गौतम से एक इवेंट पर पूछा गया कि श्वेता द्वारा लगाए गए आरोपों पर सफाई मांगी गई, तो वो पत्रकारों पर भड़क गई। बता दें यामी और पुलकित फिल्म सनम रे में साथ नजर आ चुके हैं। बता दें कि इस फिल्म के दौरान दोनों ही काफी नजदीक आ गए थे। पिछले दिनों पुलकित और यामी फिल्म जुनूनियत में एक साथ नजर आए थे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। वहीं आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान श्वेता रोहित ने यामी पर उनकी शादी तोड़ने का आरोप लगाया था। श्वेता और पुलकित अपनी एक साल चली शादी के बाद 2015 में अलग हो गए थे। तभी से 32 वर्षीय अभिनेता के यामी के साथ प्रेम संबंध होने की अफवाहें सुनने को मिल रही थी। यामी से जब इस बार सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ये काफी खूबसूरत समारोह है, आप लोग ऐसे मौके पर क्यों बेकार के सवाल कर रहे हैं। बार बार सवाल किए जाने पर यामी ने कहा, मैं यहाँ इन सवालों का जवाब देने नहीं आई हूँ, कृपया समारोह को जुड़े सवाल पूछे। बता दें यामी यहाँ यानी एक फैशन शो के दौरान मीडिया से बात कर रही थी। यहाँ यामी डिजाइनर अनीता डोगरे के इनके लिए बतौर स्टॉपर रैंप पर चली। वहीं इस दौरान इन पर बहुत से सवाल उठे, लेकिन अब आपको बता दें यामी ने पुलकित से नहीं एक डायरेक्टर से शादी की है, जिसकी खबर सोशल मीडिया पर जोरों से फैली है और यामी के फैंस बहुत ज्यादा हैरान हो गए हैं कि आखिर यामी ने इतनी जल्दी शादी किससे कर ली। तो आपको बता दें उन्होंने एक डायरेक्टर से शादी की है, उनके साथ यामी ने फिल्म उरी में काम किया था। जी हाँ उरी सर्जिकल स्ट्राइक में काम किया था। इस दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी और अब दोनों ने शादी करने का फैसला किया, वो भी कम लोगों को इनवाइट किया और अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। और इसी के साथ आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन न्यूज की रिपोर्ट। मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर, धन्यवाद।